अस्सलाम वालेकुम, नदीम फिराजी हियर एंड इट्स द थर्ड लेक्चर इन सीरीज पॉलिटिकल साइंस सीएसएस पीएमएस। अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जो लोग एकेडमीज अप्रोच नहीं कर पाते, सो वो चैनल से ही अपनी जो एक गाइडलाइन है उन्हें मिल जाएगी। सो आज का जो टॉपिक है वो है निकोलो मेकियावेली। अब मेकियावेली, जैसे कि आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ टू कॉम्प्रिहेंड हिज फिलॉसफी, हाउ टू कॉम्प्रिहेंड होल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेकियावेली। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जितने भी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, जितने भी बेसिकली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है, अब सब ने जो कंसर्न अपना शो किया, जो सब ने, अब अगर फिलॉसफी में इसे पढ़ा जाए तो फिलॉसफी में इसकी पूरी जो एक रेन है वो डिफरेंट है। बट यहां पे इसको हम स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में मेकियावेली क्या कहता है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। He was from Italy. Italian peninsula से था ये, and his time was era of Renaissance. He's called man of Renaissance. What specifically was done in this era? Reason was applied. It was a break with medieval age. Medieval time से ये एक अलग इसकी जो इसके characteristics में से जो main characteristic है, reason was applied. हर चीज को logic और reason की basis पे देखा जाने लगा। अब इस rationalism और इस era of Renaissance का impact Italy पे नहीं हुआ, Europe में Italy पे इसका कोई impact नहीं हुआ। वहां पे एक issue था, वो सबसे बड़ा issue, क्योंकि ये वो एक elaborated video नहीं है कि इसमें थॉरली मैं वो एक एक चीज को एलैबोरेट करूं। इसमें जस्ट मेंशन करूंगा, एल्यूड करूंगा, जस्ट टू मेक यू पीपल कॉम्प्रिहेंड दिस टॉपिक। इटली में रिलीजियस क्योस था। इस रिलीजियस क्योस की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। This political instability was result of religious chaos. अब religious chaos इसमें mainly papacy was intervening in politics. Means के उस time का जो pop या आप कह लें कि वहां पर जो papal state थी, that was Rome. अगर मैं Italian balance की बात करूं, that was consisted of five different states. उस उन फाइव स्टेट्स में से एक स्टेट थी रोम। अब रोम यहां पे इट वाज रिलीजियस हब, और ये रिलीजियस हब रोमन एम्पायर से था। ये रोमन एम्पायर जो थी बेसिकली थियोक्रेटिक एम्पायर थी, क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन हुआ वहां से, और तभी से यहां पे रिलीजन जो है उसका हब ये रोम बना हुआ है। अब ये ऑल द फाइव स्टेट्स वर एट वॉर, they were disunified, disintegrated, and the reason behind disintegration was what? Their vested interest, their personal interest. Whenever the religion, whenever the politics are the head of politics, ab jo wo apna interest pursue karenge, when they would pursue their vested interest or personal interest, they will not एक्चुअली फोकस द कॉमन इंटरेस्ट। वहां पे हमेशा इंस्टेबिलिटी होगी, वहां पे क्योस होगा। अब इस सारी सिचुएशन को सोल्यूशन प्रोवाइड करता है मेकियावेली। अब मेकियावेली क्या करता है, उसकी फिलोसफी पे आते हैं डायरेक्टली। द अप्रोच ऑफ हिज फिलोसफी वॉज रियलिज्म। ही वॉज रियलिस्ट, ही वॉज प्रैग्मेटिस्ट, ही वॉज रैशनलिस्ट, ही वॉज एम्पिरिसिस्ट। Realism was his approach, and as per realists, their priority they prior the state. इस realism की वजह से उसका dictum है जिस पे सारी philosophy base करती है। He used to say,
एंड जस्टिफाइज द मीन्स. इसको एलिबरेट करता हूं, पहले इसको समझने की जरूरत है. रियलिज्म स्टेट इनके मुताबिक प्रायोरिटी है. वो कहते हैं स्टेट अगर है तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का सर्वाइवल उसकी एग्जिस्टेंस स्टेट से जुड़ी हुई है. सो स्टेट को बेसिकली किस तरह से सिक्योर करना है, किस तरह से इसको प्रिजर्व करना है. सो मैकियावेली फिलोसफी वॉज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट. कि स्टेट को प्रिजर्व किस तरह से किया जाए, इस स्टेट को बचाया किस तरह से जाए. अब ये चीज उसकी ये रियलिज्म पे बेस करती है. ये रियलिज्म को अप्लाई करके, इस अप्रोच को अडॉप्ट करके उसने ये प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है उस एग्जिस्टिंग कनंड्रम को, वो उसकी फिलॉसफी है. ठीक है, अब रियलिटी को जानने का जरिया, उसका वो जो मॉड है, वो जो मीन है, वो रियलिज्म है. वो अप्रोच ऑफ फिलॉसफी रियलिज्म है. सो लेट्स मूव टूवर्ड हिज फिलॉसफी. अब उसकी पोलिटिकल फिलॉसफी में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट उसने दिया दैट वॉज, ही डिड ह्यूमन नेचर एनालिसिस. मीन्स ही डिड साइको एनालिसिस कि इंसान फितरतन कैसा है, इसको जानने की जरूरत है. उसने कहा कि वो सेल्फिश है, वो इगोइस्ट है, बट रैशनल भी है. ही सेड बीइंग सेल्फिश यूज्ड टू, अब सिंस इंसेप्शन वो कहता है कि वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट या वेस्टर्न इंटरेस्ट परसू करता है. परसेंट ऑफ इंटरेस्ट उसका फोकस है. अब ये इंटरेस्ट उसका क्या है, व्हाइल लिविंग इन दैट इटालियन पेनिनसुला. वो कहते हैं यहां पे रहने वाले जो इंसान है वो क्यों, ये यहां पे जो एक इनस्टेबिलिटी है, यहां पे वॉर लाइक सिचुएशन क्यों है, यहां पे जो वॉर है, वो कहते हैं हर कोई अपना इंटरेस्ट परसू कर रहा है. वो क्यों इंटरेस्ट परसू, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका इंटरेस्ट है सिक्योरिटी. They wanted to be secure, ठीक है. अब सिक्योरिटी, वो उस इनसिक्योरिटी से बचना चाहता है. फॉर दैट पर्पज उसने कहा कि वो इस वजह से ह्यूमन इज पावर मॉन्गर. वो पावर मॉन्गरिंग करता है, स्ट्रगल फॉर पावर करता है. सो इस फिनोमेनन को आप आज की स्टेट पर भी अप्लाई करें तो आज भी पावर पॉलिटिक्स होती है. ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इंडिविजुअल हो, वो लीडर हो, वो स्टेट हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी लेवल पे आप उसको अगर अप्लाई करेंगे तो ये चीज अप्लाई होगी कि पावर मॉन्गरिंग की जाती है. ये रियलिस्ट बेसिकली एक परसेप्शन है. अब इसके मुताबिक वो कहते हैं पावर मॉन्गरिंग करना, ये वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट परसू करता है. सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स कि वो सेल्फिश है. अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये देता है कि वो वहां पर वो जो इनसिक्योरिटी है, वहां पे जो वो क्लास है, वो जो अपना उसके सर्वाइवल खतरे में है, एग्जिस्टेंस खतरे में है, उसको वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बनाना चाहता है. इसलिए वो अपनी पार को मैक्सिमाइज करता है, पार मॉन्गरिंग करता है टू मेंटेन पार. अब ये उसके पास एक मेन टूल है इस इनसिक्योरिटी से बचने के लिए. तो कहते हैं अब इसका सोल्यूशन क्या है. आफ्टर डूइंग ह्यूमन नेचर एनालिसिस ही गेव solution to that chaotic situation of Italian peninsula. He was patriot, he was rationalist, he was empiricist, he was in the favor of state security. So for that purpose he devised a philosophy to avoid that insecurity, and his philosophy was based upon the concept of political sovereign. He wanted to devise such a concept of sovereignty through which the peace can be constructed. He gave the concept of absolute sovereign.
what was his concept of absolute sovereignty. He said, अगर मैं आपको स्टेट, अगर कोई भी फिलोसोफर है, उस फिलोसोफर को आपने कॉम्प्रिहेंड करना है, उसकी फिलोसफी को समझना है, तो फिलोसफी को समझने के लिए आपके पास ये एक स्पेसिफिक, एक मैं आपको एक फॉर्मुलिक, यू कैन से एक फॉर्मूला देने लगा हूं कि स्टेट को हमेशा अगर एलैबोरेट किया जाए तो उसका सॉवरन मीन्स के सोवरेनिटी, उसकी गवर्नमेंट, उसकी पॉपुलेशन, देन टेरिटरी. अब ये चार जो एलिमेंट्स हैं स्टेट के, इस पे अप्लाई करें हर फिलोसोफर की फिलोसफी के, व्हाट ही सेड अबाउट सोवरेनिटी, व्हाट ही टॉक्ड अबाउट गवर्नमेंट, व्हाट ही टॉक्ड अबाउट पॉपुलेशन. अगर वो ह्यूमन नेचर का एनालिसिस करें तो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, और क्या उसका इस टेरिटरी के हवाले से क्या कॉन्सेप्ट है. सो वेस्टर्न क्रिटिकल थॉट्स के मुताबिक ये चारों एलिमेंट्स कंप्लीट हो तो वो एक स्टेट कहलाती है. मींस कि नेशन, नेशन यहां पॉपुलेशन को आप नेशन कंसीडर करेंगे. नेशन की डेफिनेशन क्या है, नेशन इज टू टेरिटरी, जो टेरिटरी में विद इन स्पेसिफिक टेरिटरी कोई नेशन रह रही है तो वो नेशन कहलाएगी. ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के मुताबिक ये नोशन प्रिवेल करता है. अब सॉवरेन, ये वो कहते हैं कि यहां पे जो क्लॉस है, यहां पे इटालियन पेनिनसुला पे जो वो एक क्योटिक सिचुएशन है, उसकी मेन रीजन ये है कि वहां पे कोई एब्सोल्यूट कंट्रोलर नहीं है, वहां पे कोई इस तरह का पावरफुल रूलर नहीं है, लीडर नहीं है जो उनको यूनिफाई कर सके. जो डिसइंटीग्रेटेड फाइव स्टेट्स हैं इस इटालियन पेनिनसुला पे, उसको एक जगह पे यूनिफाई कर सके. सो द नेशनलिस्ट, द पैट्रियट, उसका कंसर्न ये था कि यहां पे पीस एक ही इसका सोल्यूशन है, कि यहां पे एब्सोल्यूट सॉवरन इंस्टॉल करो. एब्सोल्यूट सॉवरन कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, एब्सोल्यूट सॉवरन इंस्टॉल, वो बेसिकली एब्सोल्यूट सॉवरनिटी का कॉन्सेप्ट जोड़ता है द प्रिंस, उसकी बुक भी है, और उसके मुताबिक ये प्रिंस ही सॉल्यूशन है, वो एब्सोल्यूट सॉवरन है जो यहां पे जो इस पेपसी के कंट्रोल से निजात दिलाएगा, और यहां पे एक अपना स्टेबल रूल उससे ये हर चीज को, ये बेसिकली चार पांचों स्टेट्स को यूनिफाई करेगा. सो ये जो एब्सोल्यूट सॉवरन है, ये जो प्रिंस है, ये बेसिकली उसकी बुक द प्रिंस जो है, ये टिप्स टू रूलर भी है कि रूलर किस तरह से, बेसिकली आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स बताता है उसमें, आर्ट टू रूल बताता है कि किस तरह से ये रूल करेगा. सो इसके लिए सबसे एक इफेक्टिव जो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहां पे जो क्लॉस था, वहां पे जो इंस्टेबिलिटी थी, उसकी सबसे बड़ी रीजन जो थी वो बेसिकली रिलीजियस रीजन थी. रिलीजन वॉज द मेन एक्चुअली यू कैन से द फैक्टर बिहाइंड दैट क्योटिक सिचुएशन. सो ही वॉज फर्स्ट हु डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. उसने कहा कि सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, अगर यहां पे पीस कंस्ट्रक्ट करना है तो पॉलिटिक्स से रिलीजन को सेपरेट करो. यही वो कॉन्सेप्ट है जो आज भी स्टेट की नेचर को डिफाइन करता है. आप इंडिया देख लें, सेक्युलरिज्म प्रिवेल करता है. आप यूके देख लें, सेक्युलरिज्म प्रिवेल करता है. टर्की देखें, सेक्युलर स्टेट है. आप यूएसए देखें, वहां पे सेक्युलरिज्म है. सेक्युलरिज्म व्हाट इट मींस के स्टेट हैविंग नो रिलीजन, के जो भी पॉलिटिकल मामलात हैं इनसे रिलीजन जुदा होगा, सेपरेट होगा. सो इसके जरिए से ये बेसिकली वो टिप था उस रूलर को, उस प्रिंस को, उस एब्सोल्यूट सॉवरन को, जिससे वो वहां पे उस पेपसी के कंट्रोल से निजात दिलवाएगा लोगों को, वहां पे वो इस रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट करेगा, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, वहां पे पीस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. सो अब इसको मजीद वो तफसील, इसमें ज्यादा मैं एलिब्रेशन में जाऊं तो एक एक कॉन्सेप्ट पे हेफ्टी डिबेट है. ठीक है, ये टॉपिक अप्रोक्सीमेटली एक घंटे का टॉपिक है, 1 आवर इस पे जो है वो, अगर एक एक इसके टॉपिक, इसके कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को मैं डिस्कस करूं तो तब जाके वो प्रॉपर आपको उसका कॉन्सेप्ट मिलेगा. बट इससे ये है, ये जितना मैं आपको बता चुका हूं, कि आप एक गाइडलाइन ले सकते हो कि किस तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर किया जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू नो अबाउट द अप्रोच ऑफ फिलोसफी, देन व्हाट द सॉल्यूशन ही प्रोवाइडेड, व्हाट वाज हिज बैकग्राउंड, व्हाट वाज हिज बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, उस
पॉलिटिकल क्योटिक सिचुएशन को किस तरह से वो एक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करता है अपनी फिलोसफी से. सो ये चीज जानने की जरूरत है. अब उसकी ये जो द प्रिंस है बुक जो है, इसमें वो सारे टिप्स बताता है उस टाइम के एब्सोल्यूट सॉवरेन को कि वो किस तरह से यहां पे स्टेबिलिटी ला सकता है. सो इट वॉज मेकियावेली. सो दिस वॉज मेकियावेली. सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन प्रॉपर सेशन यू कैन कॉन्टेक्ट स्टडी रिवर. पीएमएस भी अनाउंस हो चुका है. सो इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन पे जो है वो क्विक एक सेशन जो है वो इंशाल्लाह वो स्टार्ट होने जा रहे हैं. यू कैन ज्वाइन दैट. थैंक यू वेरी मच.